हाँ जी, बाबा शुरू में बोली में कहते थे कि बाप शिव बाप कब प्रवेश किया और कब गया, हाँ? ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चलता। ठीक है, प्रवेश करने के बाद गया मतलब कहाँ जाते थे, कब आता है कब चला जाता है, कुछ पता चलता है? वो समझ गए सब आते, पर कहाँ जाते हैं? जी तो आपने कह लिया कि जाते हैं और आते हैं, बाबा ने ये थोड़ी कहा कि मैं आता हूँ और जाता हूँ। मैंने तो ये पूछा कि बाप कब आते हैं और कब जाते हैं, ये पता चलता है? है पता चलता है नहीं? इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। माने बाबा ने क्या स्वीकार कर लिया कि मैं आता हूं और जाता हूं, आता हूं और जाता हूं? है और हाँ टेम्परेरी रहता है तो टेम्परेरी के लिए आता जाता हूं, अगर मुकर्रर रहता है तो आता हूं जाता हूं, आता हूं जाता हूं, या मुकर्रर रूप से रहता हूं? हाँ जरूर मुकर्रर रहता है। इसलिए बच्चों को भी समझाया, तुम ऐसे ही समझो क्या इसमें सदैव शिव बाबा ही है। शिव बाबा जो साकार है वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, या कभी कायम है या नहीं कायम है? सदा कायम है। तो संगम युग में जो शिव बाबा है उससे बच्चा पैदा होता है कि नहीं? अरे शिव बाबा से बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है? शिव बाबा साकार है या बिंदी है? साकार। तो उससे बच्चा होता है कि नहीं? पहला पत्ता होता है। तो मुरब्बी बच्चा नहीं है, है? और के लिए रुके हुए हैं या उसी के लिए रुके हुए हैं? तो मुरब्बी हुआ कि नहीं? और मुरली में लिखा हुआ था, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं एक व्यापी हूँ, पर मैं बहुरूपी हूँ। ये बहुरूपी में ये तीन इसके लिए निकलते हैं, है? ये जो तीन शरीर से जो काम किए, तीन आत्मा के साथ जुगल काम जो किए, हाँ? उसी के बहुरूपी बोलते हैं। ये रुद्रमाला में भी प्रवेश करते हैं, उसको भी उनको भी मिला के बहुरूपी बोलते हैं। रुद्रमाला के मन क्या उनमें शिव प्रवेश नहीं करता? क्या करता है या नहीं करता है? हाँ? करता है। माने एक व्यापी नहीं है, अनेक व्यापी है, है? ज्ञान सुनाने के लिए सेवा के लिए एक में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा कि वो ज्ञान सुनाता है या नहीं सुनाता है? प्रूफ नहीं है, दूसरे में प्रवेश करते कोई प्रूफ नहीं, साबित नहीं करता। बच्चों में मम्मा बाबा की आत्मा प्रवेश करती है क्या? इसलिए रुद्रगण कहे गए। और तो रुद्राज तो एक मुख पांच मुख तक बताए गए ना? हाँ हाँ, माने पांच मुख क्यों, 14 मुख वाले भी हैं, तो ढेर आत्माएं भी प्रवेश करती होंगी। हाँ? और बदरूबी हूँ तो ऐसे हाँ? बाबा ने बताया मैं बदरूबी हूँ। अरे तुम एक संबंध से याद करते हो कि 20 संबंध से याद करते हो? हैं? कितने संबंधों से याद करते हो? सारा संबंध। तो जिस संबंध से याद करते हो वो रूप धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? कि बंधा हुआ संबंध है कि अभी बाप है तो पति कैसे बन गया? है? बंधा हुआ संबंधों में है या रूप बदल लेता है? और रूप बदलता है तो बहुरूपी है। हैं? जगदम्बा की सीता से, जगदम्बा की पार्वती से ऐसा मुझे जगदम्बा सीता है। हाँ जगदम्बा ही सीता है। रावण कौन किसको ले जाता है? सीता को ले जाता है। राधा को थोड़ी ले जाता है। हाँ? राधा को तो नहीं ले जाता। तो जिसको रावण ले जाता है वही सीताएं हैं। तुम सब सीताएं हो या तुम सब राधाएं हो? ना, तुम पार्वती भी ठीक है, वो अपनी जगह पर है, अपना उसका अर्थ अलग। तुम सब सीताएं हो कि तुम सब राधाएं हो? सीताएं। क्यों? रावण के जेल में है। क्योंकि सबको रावण पकड़ता है, सबको रावण ले जाता है, सबको रावण हरण कर लेता है, सबकी बुद्धि को हरण करता है। ये तुम सब सीताएं हो। और ये सीता जगदम्बा है। हैं? जगदम्बा की सीता। हाँ क्यों रावण ले नहीं गया क्या? जगदम्बा ने इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, अब्बल नंबर में कदम आगे बढ़ाया। अब्बल नंबर में पहले पहले बाप की बनी हिम्मत दिखाई या नहीं दिखाई? हैं? बिन फेरे हम तेरे बनी या नहीं बनी? दुनिया में ऐसे कोई कर पाता है? हैं? करता है कोई? कोई नहीं करता। लेकिन जगदम्बा ने ये हिम्मत दिखाई, तो उसकी हिम्मत दिखाने से इतनी ढेर की ढेर आत्माएं निकल पड़ी। तो बड़ा काम नहीं किया? काम तो बड़ा किया, लेकिन फिर क्या हुआ? रावण के चंबे में आ गई। तो ये एक राधा क्यों नहीं? राधा रावण के क्योंकि वो सदैव राम को धारण करती है, भगवान को ही धारण करती है और किसी को धारण करती ही नहीं। अभी अष्टदेव और अष्ट नारायण के बीच में हाँ संबंध होगा ना, बीज और आधार। हाँ क्यों नहीं संबंध होगा? अष्टदेव पूर्वज हैं, उनसे भी पहले जन्म लेने वाले हैं, उनसे भी पहले अपने स्वरूप को पहचानते हैं। और जो और धर्मों के बीज हैं वो पहले अपने को पहचानते हैं क्या? और धर्मों के जो बीज हैं वो अपने को पहचानते हैं या सूर्यवंश के जो मुख्य 8 बीज हैं वो पहले अपने को पहचानते हैं? जो सूर्यवंशी है वो पहले पहचानते हैं। पहले नंबर लक्ष्मी नारायण बनने वाले की फिर त्रैधा में राम सीधा बनते हैं। ऐसा पहले नंबर की लक्ष्मी नारायण बनना माना ऐसा नंबर में त्रैधा में राम सीधा बनते हैं। ऐसा बनते हैं क्या? पहला नंबर का राम सीता बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं जो संगम युग में, वो त्रेता में जाके राम सीता बनते हैं। पहले नंबर ऐसे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो राम सीता नहीं बनेंगे। बनेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सूर्यवंशी में आवेंगे, वो कभी फेल नहीं होंगे। हैं? फेल होते हैं कि नहीं होते हैं? फेल तो सब होते हैं, माया किसी को छोड़ती तो है नहीं। तो जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण है वो पहले राम सीता बनते हैं। दूसरे नंबर के लक्ष्मी नारायण वो बाद में राम सीता बनते हैं, फिर तीसरे नंबर के लक्ष्मी नारायण फिर और बाद में बनते हैं। जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। हैं वेदा में दो नंबर के ना बाबा, वेदा में 12 नंबर है। नहीं नहीं, जो 8 नंबर है तो जो 9 नारायण है तो 9 राम सीता हो गए, हुए ना। बाकी जो 3 हैं वो और धर्मों के बीज हैं। क्या वो दूसरे दूसरे धर्मों इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस के बीज हैं, वो विनाशकारी हैं या नई दुनिया बनाने वाले हैं, तो वो त्रेता के अंत में भी क्या काम करेंगे? स्वर्ग को काटने का काम करते हैं। यहाँ भी शूटिंग पीरियड में उन्होंने क्या काम किया होगा? भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ने का काम किया होगा या संवारने का काम किया होगा? बिगाड़ने का काम किया होगा। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, तो भगवान का बना बनाया घर बिगड़ जाता है, गिर जाता है। इसकी यादगार में उनके यहाँ भक्ति मार्ग में क्रिश्चियंस में गिरजा घर बनाए जाते हैं। उन्होंने एक बार बिगाड़ा, फिर रिजल्ट क्या हुआ? है होने जन्म जन्मांतर गिरजा घर बनाना पड़ता है। और बाबा मुसलमानों का जो 7 दिन है जुम्मा, जुम्मे का दिन होते हैं है? तो वो दिन कैसा चला गया? जुम्मा नाम का, जुम्मा माने जिम्मेवारी। शिव बाबा आए ब्रह्मा के तन में, स्वर्ग बनाने की प्रैक्टिकल जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? है ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर किसकी बुद्धि में बैठा कि स्वर्ग बनाने का जिम्मा हमारा है? इस्लाम धर्म की आत्मा निकली, वो त्रिमूर्ति में अपना नाम लेके बैठ गई। मेगा प्रोग्राम में बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए, ऊपर शिव बाबा, नीचे पहला चित्र है कुमार का दादी का, बीच में विष्णु कौन गुलजार दादी, और नीचे तीसरा चित्र बना दिया ब्रह्मा जी को, इनको ब्रह्मा जी बना दिया। तो क्या हो गए? स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी खुद ले ली। तो जुम्मा जुम्मा उनकी पूजा होती है। उनको कुरु कहेंगे, कौरव कहेंगे या पांडव कहेंगे? हैं कुरु, कुरु की औलाद हैं हम, करेंगे। गांधी जी क्या कहता था? राम राज्य लाएंगे। कौन लाएंगे, कौन करेंगे राम राज्य? हम स्वर्ग में राज्य करूंगा, हम स्वर्ग लाऊंगा। तो कुरु हुए कि नहीं हुए? हैं करने वाले कुरु हुए कि नहीं हुए? हुए। तो जिनकी बुद्धि में ये रहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। आज की गवर्नमेंट भी क्या समझती है कि दिल्ली को स्वर्ग कौन बनावेंगे? हम बनावेंगे। हिंदुस्तान को, भारत को हम स्वर्ग बनावेंगे। कितनी भागदौड़ करते हैं स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये कुरु की औलाद हुए कि नहीं हुए? हम करेंगे। जो भगवान का जिम्मा है स्वर्ग बनाने का, वो किसने ले लिया अपने हाथ में? इन कुरु और कुरुओं की औलाद कौरवों ने ले लिया। लेकिन स्वर्ग बनाते हैं कि और ही नरक बनता जाता है? हैं? और ही नरक बनता जा रहा है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में है, और सुखधाम और शांति धाम की बिल्डिंगें तो बना लेते हैं, चलो माउंट आबू तुम्हें दिखाए लावे, ले जाते हैं कि नहीं? क्या दिखाने के लिए ले जाते हैं? देखो सुखधाम और शांति धाम कैसा होता है दुनिया में, सो हम तुम्हें दिखाएं चल के। तो जो भगवान का काम करने का है, हेवनली गॉड फादर का काम करने का है, हेवन बनाने का, उसका ठेका किसने ले लिया? इन्होंने ले लिया। तो किसकी औलाद हुए? कुरु की औलाद हुए। इनको कौरव कहा जाता है। जहां तहां भाषणबाजी बहुत करेंगे, मेगा प्रोग्राम बहुत करेंगे, प्रदर्शनी बहुत करेंगे, कॉन्फ्रेंस ढेर सारी करेंगे, आओ 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 आओ। फिर मुरली में बोला है लास्ट में गवर्नमेंट इनके साहब अड्डे उखाड़ के इकट्ठा कर देगी। इन वेश्याओं का जो जाल फैला हुआ है संसार में, वो सारा जाल खलास हो जाएगा। बाबा शास्त्रों में भीष्म के दाम को सरसैया में दिखाया है, और अपना सीढ़ी चित्र में भी सरसैया में दिखाया है। तो ये चित्रों में कोई संबंध है सरसैया में? हाँ, जो हाँ भारत को, हाँ भारत को। तो ये दोनों भारत का पार्ट किसका है? और राम वाली आत्मा के लिए तो मुरली में बोला ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो भीष्म पितामह का पार्ट नहीं है वो, तो सबका पार्ट है। सारे धर्म वालों का बीज किसमें भरा हुआ है? एक मिनट भरा हुआ है। चार युगों का अंत में शूटिंग पीरियड का टाइम, चार युगों का अंत में बाबा का प्रत्यक्ष होता है। वो रोड में कैसे होते? रोड का ड्रामा, ब्राड में सती उतरी था। द्वापर कलयुग चार अवस्थाएं नहीं होती हैं? नहीं होती। तो चार युग पूरे होते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता? अरे हुआ कि नहीं है? शूटिंग पीरियड में प्रत्यक्ष होगा तो ब्राड ड्रामा के चार युगों में भी बाद में प्रत्यक्ष होगा। बोलो जल्दी जल्दी। त्रेता युग के अंत में अर्धविनाश होता है। वो कह रहा है अर्धविनाश क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? माने शूटिंग नहीं होती, आधे विनाश की शूटिंग नहीं होती। कब होती है? हाँ, त्रेता के अंत में शूटिंग होती है। तो शूटिंग हुई या नहीं हुई? बस जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के जितने भी फॉलोअर्स थे वो सब छोड़ के चले गए, विघटन हो गया। क्या हुआ? शांति धाम जाने की दिल हो रही। प्रश्न हिंदी में ऊपर नहीं उठता है न, तो आप ताली परंबा की भाषा केरला क्या नाम क्या कहते मलयालम में बोल दो। कोई तो हिंदी अनुवाद करने वाले बैठे हैं ना, है? बाबा ये जानवरों में भी और पौधों में भी आत्मा होती है, क्यों नहीं होती है? तो हमारे जैसे वृक्षि मध्य में है, हाँ? पेड़ का कहाँ पर? पेड़ की बीज में होती है। पेड़ ज्यादा जड़ तुम्हें बुद्धि वाले हैं कि हम ज्यादा जड़ तुम्हें बुद्धि वाले हैं? हा? हमारे शरीर के 5 तत्व तो ज्यादा जर्जरी भूत हैं या पेड़ों के शरीर ज्यादा जर्जरी भूत है? बोलो। अरे हमारे ज्यादा जर्जरी भूत है। अच्छा हाँ, पेड़ों में जड़त्व भाव ज्यादा है, पौधों में जड़त्व भाव ज्यादा है, इसलिए ज्यादा जड़त्व भाव है तो उनकी हर टहनी में देहभान भरा हुआ है। आत्मा जैसे वितरित हो गई, जैसे हमारे शरीर की उंगली काट दी जाए तो उंगली थोड़ी देर झटकती है कि नहीं? उछलती है ना। तो उंगली में आत्मा की शक्ति है या नहीं? शक्ति है पर आत्मा तो नहीं। तो क्यों उछली? चैतन्य उछलता है, चालता बोलता चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो उंगली जो उछल रही है किसकी ताकत से उछल रही है? आत्मा की ताकत है। जब तक तब तक उछल रही, वो आत्मा खिसक करके फिर अपनी जगह पहुंच जाएगी, खिसक उसका उछलना बंद हो जाता है। ऐसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ काट दो तो उछलती है कि नहीं? उछलती है। पौधा है, पेड़ है, पेड़ का एक मोटी टहनी काट दो तो जड़ सूखेगा कि नहीं? या उसकी एक जड़ काट दो मोटी तो उससे संबंधित जो टहनी है वो सूखेगी या नहीं? सूख जाएगी। लेकिन उसी को गाड़ देते हैं तो फिर वो उगने लगता है। हाँ तो क्यों? जड़ हुआ फिर तो आप कलम नहीं लगाते हैं क्या? है आदमी हिंदू है, औरत क्रिश्चियन है, तो आपने कलम लगाई कि नहीं लगाई? एंग्लो इंडियन पैदा होगा कि नहीं होगा? है और बाबा मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम है बाबा। है पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल अलग से पूछो। योग में रखने का समय पुराना जिंदा आते हैं। वो तो सभी को आते हैं, आपको अकेले आते हैं क्या? अब ब्रह्मा बाबा कोई आते हैं तो आपको छोड़ देंगे क्या? जो पहला पत्ता है उसी को आ रहे हैं तो आप पहले पत्ते हैं या बाद वाले हैं? हाँ। जब बाबा बोलते हैं पुराना चिंदा करते तो पुराने लोग में देखते थे। क्या बाबा बोलता है ना, जो पुराने चिंता करता है तो मतलब पुराने लोग में रहता है। पुराने जिंदा करते हैं, जो पुराने संकल्प जो करता है ना, पुराने संकल्प करता है तो क्या पुराने लोग में चले गए वापस लौकिक लोग में? अब जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो वही भाई उनको आता है कि मैं लौकिक लोग में तो रहता है या अलौकिक लोग में है। जैसे संकल्प करेंगे वैसे रहेंगे। संकल्पों से सृष्टि तैयार हो रही है। आप लौकिक दुनिया वालों को याद करेंगे, लौकिक दुनिया वालों के साथ जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। आप ब्राह्मणों की दुनिया वालों को याद करेंगे तो ब्राह्मणों की दुनिया के जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। आप शिव बाबा को याद करेंगे तो राम वाली आत्मा के साथ जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। नहीं आएंगे। तो करो ना, चाहिए चाहिए से हो जाएगा। और चाहिए चाहिए की रेट टेप रिकॉर्ड में भर दो, चाहिए 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 तो हो जाएगा क्या? हाँ 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 तो करो। बाबा ये 63 जन्म के तंग के रंग के आधार पर ही तो संगम में भी याद आती है। बिल्कुल। तो फिर हर एक का चक्र तो अपना अपना अलग अलग है। अलग अलग है बिल्कुल। और वो साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, मेहनत करने के बावजूद भी चलता रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन आपको पता है उस चक्कर का, आपको पता है किसी का? आपको अपना पता है? फिर तो फिर ये मेहनत से याद बढ़ाया जा सकता है बोलते हैं कुछ लोग। क्या पता आपको कल ऐसी उमंग उत्साह आ जाए कि आप एकदम हेड ऑफिस में जाकर के बैठ जाए, बड़ा काम संभालने लगे, बाबा की नजरों में ही हमेशा बने रहे, एक फोन आपके हाथ में रहे, एक बाबा के हाथ में रहे, बाबा सुबह से शाम तक आपसे ही डिस्कस करता रहे। अरे बड़ा भाई काम का आदमी है। तो संकल्प किसके साथ चलेंगे? बाबा के साथ चलेंगे तो कहाँ जन्म मिलेगा? बाबा के साथ मिलेगा। नहीं, मेरा कहने का ये है कि मेरा भविष्य आज के संकल्प पे है या मेरा आज का संकल्प मेरे भूतकाल पर है? मेरा भविष्य आज के संकल्प पर है। आज और कल में अंतर नहीं होगा, लेकिन आज का जो संकल्प है वो कल चेंज होगा कि नहीं होगा? वो भूतकाल के, भूतकाल में भी जो संकल्प चले हैं वो क्या आपको पता है? क्या आपके लौकिक संबंधियों के साथ ही चले हैं या अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों के साथ चले हैं या रामकृष्ण के साथ ही चले हैं? पास्ट का तो आप जानते हैं, नहीं जानते? इस जन्म का मालूम, इस जन्म का तो इसी जन्म में तो शूटिंग हो रही है। शूटिंग कहाँ हो रही है? शूटिंग इसी जन्म में हो रही है। और धर्म पिता ये ज्ञान कब से लेंगे? अभी सूर्यवंशियों का रिजल्ट निकल गया, फिर अभी एक माला तो तैयार नहीं हुई। जो शिव बाबा को जो माला बनानी है वो माला सूर्यवंशियों की बनाएगा या और धर्म वालों की पहले बनाएगा? सूर्यवंशी। वो माला तो अभी पूरी नहीं हुई तो वो कहाँ से आ जाएंगे? जब वो आएंगे तो उनके पीछे पीछे उनकी माला आएगी। हर एक की माला में पीछे एक के दूसरे के पीछे एक दूसरे के पीछे मणके लगे हुए हैं कि नहीं? माला माने संगठन। जन्म का राज कैसे खुलेगा? ये आत्मा तो हमारे 84 जन्मों में सबसे ज्यादा कनेक्शन में रही होगी कि नहीं? अरे हमारे कनेक्शन में कोई आत्मा तो 84 जन्मों में सबसे जास्ती रही होगी या नहीं रही होगी? है तो उसका और हमारा हिसाब किताब है या नहीं? उसका हिसाब खुलेगा तो हमारा भी खुल जाएगा। फिर उन दोनों के हिसाब में, दोनों के कनेक्शन में कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? तो उसका पहले खुलेगा या दुनिया वालों को पहले खुल जाएगा? है किसका खुलेगा? जो कनेक्शन में ज्यादा रहे हैं उन्हीं का खुलेगा। तो पहले तो आते हैं 8, आठ के 84 जन्मों का हिसाब किताब खुलेगा तो 8 का अपना परिवार होगा कि नहीं होगा? तो परिवार वाले 8 से अपना अपना अष्टदेव से जानेंगे। किसके द्वारा आखिर लिंक होगा कि नहीं? उनका बाप का अपना परिवार हुआ कि नहीं? जन्म जन्मांतर का नहीं होगा। जैसे बाप का अपना परिवार जन्म जन्मांतर का है, वैसे उन 8 का भी परिवार अपना अपने जन्म जन्मांतर का है। उनका खुलेगा, उनके कनेक्शन में हम रहे होंगे तो हमारा भी बनेगा। तो 2 तो अभी क्लियर हो गए हैं, हुआ कि नहीं? 2 बिल्कुल क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? अब तो आपको यही पता नहीं कि 2 क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए हैं। हैं? दो क्लियर हो गए तो दो के आधार पर अपना नंबर बनाओ ना जल्दी जल्दी। हाँ हाँ कहाँ कहाँ फंसे बैठे हैं। क्या हुआ, बंद करें क्या क्लास? टोटल देवता है तो 33 करोड़ बताया है। 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन 10 करोड़ देवताएं सतयुग त्रेता में आते हैं। 10 करोड़ सतयुग त्रेता में, आधी षष्ठी जब पूरी होती है तो 10 करोड़ रात में ऊपर से नीचे उतर आती हैं। बाकी 23 करोड़ जो हैं वो द्वापर कलयुग में उतरती रहती हैं। तो उनको सतयुग त्रेता रहेगा सुख मिलेगा? है उन देवताओं को सतयुग त्रेता रहेगा सुख मिलेगा क्या? इनको 23 करोड़ को सती उतरेता में जाती ही नहीं। हाँ जब द्वापर में भी आएंगी तो उनका पूरा परिवार संगठित होगा, 60-70 लोगों का भी। एक आदमी मुखिया होगा राजा की तरह, किसी की हिम्मत नहीं जो उस एक का मुकाबला करे। जैसे राजा ही चलती है राजा की राज्य में, ऐसे उस मुखिया की राजा ही चलेगी। एक चूल्हे पर रोटी बनेगी, सब पूरे कंट्रोल में रहेंगे तो सुख होगा या दुख होगा? है सुखी होगा। अभी भी ऐसे परिवार हैं, लेकिन प्राय है लोप। अभी जो ऐसे परिवार है वो आदि में बाप के पास आए या संगम के अंत में बाप के पास? अंत में आए। है ये माताजी पूछ रहे हैं। हाँ? कि जब पेड़ का एक डाली काट के, एक मनुष्य का हाथ अगर काट के लगाए माटी में भी तो वो जड़ हो जाता है। है? वो जड़ ही रहता है। मनुष्य है। हाँ, मनुष्य का मनुष्य जो है वो आत्मिक स्थिति वाला ज्यादा है या देवान वाला ज्यादा है? ज्यादा आत्मिक स्थिति वाला ज्यादा है ना, तो उसकी आत्मा का ही असर जाएगा लेकिन देह का असर जाएगा। आत्मा है, उसकी आत्मा है उसके बच्चे में। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? मेरी आत्मा इसमें धरी है। तो सारी बीज की ताकत तो बच्चे में जाती है। इसलिए दूसरी जाति पैदा हो जाती है। जैसे वहां कलम लगती है वैसे यहाँ भी कलम लगती है। दूसरी जात माना दूसरी समझ। हाँ हाँ, जैसे घोड़ा है और घोड़े से कनेक्शन नहीं हुआ, गधी से कनेक्शन हो गया घोड़े का, तो नई जाति पैदा होगी कि नहीं होगी? नई जाति पैदा हो जाएगी। जैसे डायनासोर थे या नहीं थे? हड्डियां मिल रही हैं तो थे जरूर। फिर किसी जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक मादा या एक नर बच गया, किसी तरह जंगल से बाहर खिसक गया और उसका कनेक्शन मगरमच्छ से हो गया, तो नई जाति पैदा होगी कि नहीं होगी? हाँ नई जाति पैदा हो गई, डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन दूसरा वंश। हाँ दूसरा वंश शुरू हो गया। बड़े बड़े घड़ियाल पैदा होने लगे, मगरमच्छ जिन्हें कहा जाता है। लगाव और ज्ञान के बीच में संबंध है, आपके मुझे में बोल रहे थे। हाँ, लेकिन ज्ञान ज्यादा हो तो लगाव होना, ज्ञान उसी में ज्यादा होगा जिसमें बाप की पहचान ज्यादा होगी। बाप की पहचान ज्यादा होगी तो बाप की याद ज्यादा आएगी, कम आएगी? अगर गहराई से बाप की पहचान बुद्धि में बैठी हुई है तो बाप से प्राप्ति याद आएगी, बाप की ज्यादा याद आएगी या दुनिया वालों की ज्यादा याद आएगी? बाप की याद ज्यादा आएगी। जब याद ज्यादा आएगी तो मनन चिंतन मंथन चलेगा कि नहीं चलेगा? जिसकी हम ज्यादा याद करते हैं तो मनन चिंतन मंथन भी चलता है। मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा तो जो अंदर चलेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे कि अंदर रख लेंगे? है? मनन चिंतन मंथन चला तो वो अंदर तो नहीं रख पाएंगे, वो बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो सेवा होगी या नहीं होगी? खूब सेवा होगी, नई नई बातें बाहर निकलेंगी, ज्ञान अमृत निकलेगा बाहर मंथन करने से। मुरली को थोड़े ज्ञान अमृत कहा जाता है। मुरली को जब मंथन करते हैं तो अमृत निकलता है। तो अमृत जब हम दूसरों को सुनाते हैं नई नई बातें तो उनकी सेवा होती है कि नहीं होती है? हैं? उनकी सेवा होती है। जब सेवा ज्यादा करेंगे तो शिव बाबा हमको याद करेंगे कि नहीं? शिव बाबा कौन से बच्चों को याद करते हैं? है, सेवाधारी बच्चों को शिव बाबा याद करते हैं। तो शिव बाबा जिनको याद करेंगे उनको ज्यादा याद आएगी, कम याद आएगी? और ज्यादा याद आएगी, आरस परस है। तो लगाव होगा तो याद भी आएगी, ज्ञान भी ज्यादा होगा। लगाव नहीं होगा तो दुनिया वालों के साथ बुद्धि की बातें चलेंगी या शिव बाबा के साथ बुद्धि की बातें चलेंगी? है? दुनिया वालों के साथ चलेंगी। बाबा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया तो ये दोनों दो है या एक ही है? ब्रह्मा सो विष्णु ऐसे हम पढ़ते हैं तो हम यही समझे कि एक ही है। तो ये एक ही यज्ञ के आदि में कौन सी दो आत्माएं थी पहले? राम और कृष्ण दोनों थे। राम कृष्ण थे, वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। षष्ठ के आदि में पहले दो कौन है? यज्ञ के आदि। अच्छा, यज्ञ के आदि में कह लो या नई सृष्टि के आदि में कह लो। लक्ष्मी और नारायण पहले हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण सृष्टि के आदि में थे वो जब अंत होगा, संगम की शुरुआत होगी, तो वो ही आत्माएं लक्ष्मी नारायण के रूप में पहले होंगी जो आदि में थी, वो अंत में होंगी या कोई दूसरी आ जाएंगी? वही होंगी। तो वही लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं अंत में फिर ऐसे संसार में प्रत्यक्ष होती हैं कि उनके संस्कार आपस में मिले हुए जुले हुए रहते हैं और उनमें उनके द्वारा ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठता है। किनके द्वारा? जो याद में थे विष्णु रूप, उन्हीं के द्वारा निश्चय बैठता है, भले लंबे समय के बाद बैठता है। तो 10 साल के बाद निश्चय बैठा। 36-37 से बात शुरू हुई और उनके द्वारा मुरली कब चली? 47 से। तो 47 से जब से मुरली चली है तब से ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठ गया। बैठा या नहीं बैठा? बैठ गया। तो सेकंड नंबर का लक्ष्मी नारायण कौन बना फिर? वही ब्रह्मा सरस्वती। तो हिसाब बना हुआ है। तो पहले वाले नारायण से तो यज्ञ के आदि में जो विष्णु था उससे ब्रह्मा निकला कि नहीं निकला 10 साल के बाद? तो कमल फूल की नाल से ब्रह्मा निकला 10 साल के बाद। तो दो आत्मा होगी। हाँ तो ब्रह्मा सो विष्णु, हम तो पहले पढ़े थे ब्रह्मा सो विष्णु एक ही है, ऐसे हमें को पता है। तो ये थोड़ा डाउट, विष्णु 2 को मिलकर के बनता है या 1 को मिलकर बनता है? 2 हैं, 1 थोड़ा ही विष्णु होता है। तो यज्ञ के आदि में भी 2 थे, फिर उनसे निकला 1 ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा की नाभि से क्या निकलता है? 76 में कौन निकला? अरे 76 में कौन प्रत्यक्ष हुए? लक्ष्मी नारायण फिर प्रत्यक्ष हुए। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की मुरली है तो 76 आता है ना, तो 76 में लक्ष्मी नारायण फिर प्रत्यक्ष हो गए। तो ये क्रम बना हुआ है, इसीलिए बाबा मुरली में बोलते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला सन 47 में, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला सन 76 में। क्या बात है, ताली ब्रह्मा वाले इस बार गैप तो लंबा लंबा दे रहे हैं। ब्रह्मा के साथ में गाते थे। हाँ सरस्वती के साथ में भी गाते थे। सरस्वती के हाथ में ढेर सारे वेद शास्त्र कहाँ दिखाते हैं? एक किताब दिखाते हैं सरस्वती के हाथ, माने ज्ञान की देवी है। हाँ तो सरस्वती जगदम्बा ज्ञान की देवी है या नहीं है? 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 ब्रह्मा के हाथ नहीं, ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं तो रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। ऐसे क्या साबित हुआ? ऐसे साबित हुआ कि ब्रह्मा वाली ही आत्मा ही रावण का मूल रूप है। जो रावण के 10 सिरों के ऊपर क्या दिखाया जाता है? गधा कहो बैल कहो, बात तो एक ही है। तो हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, तो उन वेद शास्त्रों से फायदा क्या हुआ? जिंदगी भर वेद शास्त्र पढ़े, जिंदगी भर जन्म जन्मांतर गुरु किए, मिला तो कुछ भी नहीं। जगन्नाथ मंदिर में तो असली चित्र दिखाते हैं बाबा, जंगली चित्र है। जगन्नाथ मंदिर में तो असली चित्र दिखाते हैं बाबा, गंदे चित्र जगन्नाथ मंदिर में। हाँ तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं है गंदे चित्र। हाँ जी, लेकिन बाहर निकलो, बाहर गंदे चित्र निकाल के बाहर कर दिए, अंदर रहने काबिल नहीं हो, लायक नहीं है। हाँ जी, लेकिन बाबू उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को भी ताकत नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? पुरुषार्थी जीवन है ना। हाँ पुरुषार्थी जीवन झूठा है या सच्चा है? झूठा सच्चा तो मिलजुलता है। क्यों मिलता जुलता है? भगवान पढ़ाते हैं तो विकारियों को पढ़ाते हैं या निर्विकारियों को पढ़ाते हैं? तो भिखारियों को पढ़ाते हैं, झूठ है, झूठी की बात क्या है इसमें? झूठ नहीं है बाबा, तो गवर्नमेंट को इतना ताकत नहीं, क्यों ऐसा ताकत नहीं है? तो समझाना है, ये पुरुषार्थी जीवन के चित्र हैं। पुरुषार्थी जीवन में नीचे ऊपर होता ही है, ये माया की लड़ाई है। माया के युद्ध में दो थपेड़े खाने भी पड़ते हैं और थपेड़े खिलाने भी पड़ते हैं। सन्यासी लोग मेरा जीवन मुक्ति को यानी संपत्ति सुख को तो राग निष्ठा समान समझते हैं। तो यहाँ बेहद संन्यास किस रूप में? बेहद में सन्यासी लोग होते हैं ना। हाँ। तो माना जो बी के बेसिक वाले ये सुख को राग निष्ठा समान समझते हैं। उनको जब बताया जाता है तुमको इसी जन्म में स्वर्ग में जाना है, इसी जन्म में कंचन काया बनाना है, इस बात को वो सच्चा समझते हैं क्या? इसलिए कहते हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग। ऐसा बीज रूप में भी होता है, बीज रूप में भी होगा। क्या पूछा है? आंध्रा में नवग्रह से पूजा करते हैं, उत्तर प्रदेश में जगदम्बा माँ की पूजा करते हैं। क्या मतलब है? अरे पूछने वाले का क्या मतलब वो तो बताओ। तो लिंक क्या है बाबा? है लिंक क्या है? यार कुछ वो कोई लिंक नहीं है। संगम युग में तो काला शरीर मिलना अच्छा है बोला बोला बाबा ने, माना दूसरों को दृष्टि हमारे में नहीं पड़ता, दृष्टि हमारे में नहीं पड़ता है। अच्छी बात है बाबा। हाँ जी। तब तो संगम युग में तो अच्छी शरीर यानी माना गोरा शरीर मिलना ये शाप है या वरा है? शाप है, माया पकड़ती रहती है अलग अलग रूपों में। माना पूर्व जन्मों की पापों का फल है बाबा, पापों का फल है। मक्खियां पीछे लगती रहेंगी, चिपक चिपक के गंदा बनाती रहेंगी। और बाबा जब ब्रह्मा तो गुलजार में प्रवेश करते हैं ना बाबा, तो उस समय वो बाप की गहराई याद में रहते हैं, ऐसा बोला है। गुलजार में जब ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तब वो बहुत गहराई याद में रहते हैं। गहराई याद में मतलब उसको कौन सी याद? बिंदु की याद रहती है या साकार और निराकार की याद रहती है? गुलजार दादी का तन, गुलजार दादी वाली आत्मा विधर्मी नारायण से कनेक्टेड है या स्वधर्मी है? तो जैसा संग बिंदु की याद रहती है। हाँ। तभी वो उस मुख से जो कुछ आती है तो उसको सच मानना सही है। तो क्या हुआ, निराकार स्वयं में सच नहीं है क्या? लेकिन निराकार मतलब कौन सी बिंदु? बिंदु को भी पता पड़ना है ना कोई सरकार से। सहज राजयोग की बात बताई कि अगर साकार में निराकार को याद करेंगे तो सहज हो जाएगा, और जब सहज हो जाएगा तो निरंतर भी हो जाएगा। सिर्फ निराकार को याद करना कष्टदायक है, वो सहज नहीं होता है। वो हठ योग है। और बाबा जी रिसेंट अभ्यक्तवाणी में आया कि नीलू माता बाबा की अच्छी देखभाल कर रही है। नीलू माता बाबा की अच्छी देखभाल कर रही है। हाँ, नीलू माता आया या नीलू बहन आया? नीलू बहन। तो कन्वर्ट करके क्यों बोलते हो? तो नीलू बहन कौन है? मतलब बाबा कोई कागज पे या बोर्ड पर लिख करके बताते हैं कि कौन क्या है? इशारा देते हैं। तो देवताओं की इशारा काफी है। और बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उसमें आना जाना करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो क्या उसमें सारे अष्टदेव शरीर से आना जाना करते हैं या कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं? हैं? सारे अष्टदेव को लागू होते हैं। हैं? बोला है तो करते होंगे ना। हाँ, रामकृष्ण आपका इनको बाबा ने हीरो हीरोइन बताए ना। रामकृष्ण हीरो हीरोइन सृष्टि रूपी की किसको किसको राम और कृष्ण। हाँ, हीरो हीरोइन है ना। हाँ, माना तो कृष्ण की हीरो हीरोइन माना वास्तव प्रैक्टिकल रूप से हीरो हीरोइन माना संगमे की नारायण और संगमे की लक्ष्मी। हाँ, है ना बाबा। हाँ जी। तो कृष्णमानी आत्मा शरीर छोड़कर जगदम्बा में प्रवेश करती है, लेकिन छोटी माँ में प्रवेश नहीं करती है। हाँ। तब जब छोटी माँ में नहीं प्रवेश करते हैं तब वो हीरोइन कहने का मतलब क्या है? छोटी माँ में नहीं प्रवेश करती हीरोइन करने का क्या मतलब है? ब्रह्मा तो नहीं करते हैं बाबा, ब्रह्मा वाली आत्मा। अरे जब महालक्ष्मी कहा जाता है तो महालक्ष्मी में पुरुष कौन है स्त्री कौन है? महालक्ष्मी जगदम्बा पुरुष है और स्त्री छोटी माँ है। तो यही अंतर पड़ जाता है, ये दोनों की जोड़ी हो गई। तो दोनों का अलग नहीं करना है। हाँ जी। शिखंडी को कमजोर बोला है, तो सारी रुद्रमाला शिखंडी का आ गया है। सारी रुद्रमाला शिखंडी कैसे? जगदम्बा को बोला है। नहीं, जगदम्बा को बोला है और जगदम्बा की जो भुजाएं हैं उनको बोला है। जो पुरुष चोले हैं उनको कैसे शिखंडी बोलेंगे? तो सारी रुद्रमाला को शिखंडी कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो सारे रुद्रमाला की आत्माएं कमजोर हैं क्या? ऐसे थोड़ा ही कहेंगे। बाबा जब कमजोर की बात आती है तो धीरे में कमजोर है। हमारा कमजोरी की बात आती है तो धीरे टाइम में कमजोर है ना। ये माना से ज्ञान तो है बुद्धि में, इम्प्योरिटी को प्योरिटी में बदलने के लिए। लेकिन जब तक वो विजय माना ना आए तो तब तक इसका प्योरिटी की सफलता नहीं आता। ना आने का क्या सवाल? ड्रामा में नूद है या नहीं है, फिर क्या चिंता? जो एडवांस में आते हैं। आपने बोला रुद्रमाला सब राजाओं की माला है और समझो यहाँ आके भी अगर कोई लक्ष्मी बनना चाहे तो रुद्रमाला में जैसे आके कोई लक्ष्मी अगर बनना चाहता है तो ब्रह्मपाणी में चले जाए। कहाँ चले जाए? आपने बताया था ना रुद्रमाला में सब राजा बनने वाले हैं, राजा बनने का लक्ष्य लेने वाले हैं। सब कैसे राजाएं बन जाएंगे? तो राजाएं तो होते ही 108। हाँ, तो अगर जिनको लक्ष्मी बनना हो वो ब्रह्मपाणी में चले जाएंगे। लक्ष्मी बनना हो तो लक्ष्मी तो हिमालय की पुत्री है और हिमालय ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है जिनकी बुद्धि बर्फ की तरह जाम है। तो ब्रह्मा बाबा के घर में जाके पहले यहाँ काहे के लिए आके बैठे हैं? के बाद जो राजा आते हैं ये सिर्फ ये 108 भूत है ना बाबा, वापस से जो विकारी दुनिया शुरू होती है ना बाबा, उसमें भी राजा ही होते हैं माना। तो ये 108 के बीच में ही राजा ही चलता है बाबा, क्या वापस के बाद 108 ही राजा होते हैं माना? सारे राजा ही 108 ही पकड़ पड़ते हैं ना। बिल्कुल, उसमें दुष्ट राज्य है और श्रेष्ठ राज्य। 108 में दुष्ट धर्म नहीं है तो उनके बीज भी है। बाबा शिवडी के चित्र में सतयुग में संगम युगी लक्ष्मी नारायण को क्यों दिखाया है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को दिखाना चाहिए। तो सतयुग का जो पहला जन्म होता है जहाँ लक्ष्मी नारायण से राधे कृष्ण का जन्म होता है, वो लक्ष्मी नारायण और प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण सतयुग के पहले जन्म की याद, पहले जन्म में है या बाद वाले जन्म में है? तो पहले जन्म को ही दो हिस्सों में दिखा दिया है। पहला जन्म की शुरुआत है लक्ष्मी नारायण से जो नर से नारायण बनते हैं और पहले सतयुगी जन्म का अंत है राधा कृष्ण जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। एक ही जन्म में दो हिस्से हैं, एक स्वर्णिम सतयुग, एक सिर्फ सतयुग। इसलिए लक्ष्मी नारायण को संगम युग में दिखाया है, बहुत सतयुग में दिखाया है। शांति।